माज साहब जी हाँ इब्राहिम साहब चवंदा तो सब उ कम जो पा कर सन था उनके हथ वसन को कन अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कन था अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इब्राहिम साहब चवंदा तो हि पीटीआई के एक पैगाम है तो का उन्होंने रियायत नी अं क्या ऐसो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नसीर साईं ऐसो जी माल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एस पी आर जी हली पी जनरल साहब जी माल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो उनके टीवी चैनल से लाइव स्ट्रीमिंग पे दिखो पे तो उनमाल जी माल उन डिजिटल दहशतगर्दी की गाल पे कई तो रुगो मान जा कमेंट्स पे पढ़िया तो मानू छा पे चवन जी माल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हल पे रिफ्लेक्शन मिलो पे तो मानन जो असानी फौज के बारे में कड़ा ख्याल वह ख्याल आया पे जे तहे पेश पौधो कर सका बी गाल है तो जी अस अज हुकूमत ऐसू पा जड़ी तरीके से सिविलियन हुकूमत जी आजाद है जी पैरालाइज है इन्हें मां अंदाजो लगा सके तो असो सब हुकूमतों इतर ही आजाद होंद उन्हीं भी जो फर्क हों तकरीबन ये हुकूमतों अक्सर जो होंद्यून उसे नॉन सिविलियन इदारा उ हलाइंदा है हाँ एतराज है जो जनरल साहब किया भाई अस अफगानी जो से या पाकिस्तानियन जो जो बॉर्डर से जो क्रॉस है उनके लिए पासपोर्ट होजन खे तो यह पॉलिसी जी साई बुधा या इंट्रोड्यूस कें कई हुई हिंसर तई जो अफगानन के जो जस्टिफाई कंदा रहा उन्होंने गुड तालिबान बेड तालिबान उन्होंने गुड चाय पीण उनको है सो सॉफ्ट कॉर्नर रखन उनके शहीद चवण यो केर कंदो रहयो आ ये सब जा सब जका स्टेट की पॉलिसी है वह स्टेट की पॉलिसी सिविलियन के लिए बी जो अहम गाल कई है जी केपी गवर्नमेंट के लिए कई है वह है असो है सो एक जै जगह तुम दहशतगर्दी खत्म करना उनको वो डेवलप करो है सो सिविलियन हुकूमत जो कम है पर सिविलियन हुकूमत पाँच कम कन ही को असो कम करूँ था समझा तो इन भी थोड़ी गाल कर जरूरत है सिविल हुकूमतों कड़ो कम कन जाहिर है जी दहशतगर्दी थे थी वह तो बॉर्डर तक थे थी समगलिंग थे थी वह तो बॉर्डर तक थे थी बॉर्डर से भी सिविलियन हुकूमत को दहशतगर्द इंदो अफगानिस्तान में जैसे इंटरनली थे तो अना भी गल जैसे अफगानिस्तान में कोई मानू अची कार्रवाई करे तो वे उन में सिविलियन हुकूमत के की था जो है सो इल्जाम दई सको बी गाल सवाल भी किया पीटीआई है उन्हीं इन फैसलो कर भाई पीटीआई के हुक एंड क्रुक से जो है सो अस या तो इनके पांच रस्ते से आनो है ए जो रस्ते से ना आनो तो इनके अस खत्म कदासी इन सवा उन्होंने वो रस्तों को अच्छे ऐसो इंटरनेशनली जो इमरान खान की रिकग्नेशन वे पी उनकी पॉपुलरिटी वे पी हाँ भी संडे टाइम्स में जो इंटरव्यू छपो वो भी इनता ही खतरनाक है उन्हें आउे केज में आया आउे पिंजरे में आया मुख्य सत बाय अठ कमरे में जो है सो रखो वो है यो इंटरनेशनली जो है सो अखबार में छपज पो इनका सवाल इंटरनेशनली जो इमरान खान की सपोर्ट आई है वह भी ओवरवेलमिंग है तुम ऐसो तो जो यूएन में वर्किंग ग्रुप हो उन्हें सपोर्ट आई हिंसर अमेरिकन स्टेटमेंट दिनी है जो उनके जो मीडिया सेल जो मानू है मीडिया जो मानू है उन्हें जैसे इनके असें वो कंसर्न है तुम पीटीआई के जो है सो बैन पाया कर सो ये सब गाल बुधायन पे तो फ्रस्ट्रेशन है जो बिन्हीं पास है पार्टी में भी है मथे भी है जे कंटेन न पाया कर सकन पीटीआई की जो पॉपुलरिटी है पीटीआई की जो सियासत है उन्हें सियासत के कंटेन न पाया कर सकन तेजे कर ये जे कम कन पे ये मुझे ख्याल है काउंटर प्रोडक्टिव अज भी जो है सो उन्हों जो मीडिया सेल जो जो अगवान है उनके इन अरेस्ट किया है पहले इन्हें तो गौहर के भी आयो गौहर खान के वरी यह खबर आई हुई पर वरी इन तरदीद है गौहर खान जो है वो आजाद है बाकी इनके जो है सो अरेस्ट किया है पर यह जो ऑपरेशन है यो अज का टे चार दिन अग का शुरू है इन्हों जहा छोकरा गुम थींदा रहा है सो मुझे ख्याल है ओवरऑल जैसे अस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐसू था तो मुख्य थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन नजर अचे थी पीटीआई के ओवरकम या पीटीआई के कंटेन करण में नाकाम पे।